हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्मार्ट ऑटो डिवाइस की नई वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की नई एंड फ्रेश वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए लेकर के TUI 300। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई एंड फ्रेश वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गाड़ी की फ्रंट डिज़ाइन से बात कर लेते हैं। तो फ्रंट के अंदर आप देखोगे तो मस्कुलर डिज़ाइन गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट्स के बारे में। तो गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो साइटन इंडिकेटर और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। और फॉग लैंप्स के बारे में बात करें तो यार यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट भी देखने को मिलेगा फॉग लैंप्स के ऊपर। और इसके अलावा आप देख सकते हो हेलोजन फॉग लैंप्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। और बाकी फ्रंट ग्रिल के बारे में बात करें तो यार यहाँ पे भी आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो हनी क्रोम ग्रिल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे भी। और नीचे की ग्रिल को भी देखें तो गाड़ी के अंदर आपको हनी क्रोम ग्रिल दी गई है। और ओवरऑल आप देख सकते हो किस प्रकार का देखने में लगता है फ्रंट का बम्पर। और यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो महिंद्रा का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप ओवरऑल फ्रंट को देख लीजिए गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट किस प्रकार का देखने को मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये टो करने के लिए भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हुक। और बाकी आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, गाड़ी को सिंपल और सोबर लुक दिया गया, गाड़ी को सिंपल बनाया गया। तो महिंद्रा गाड़ियों के अंदर आप देखते हो यार गाड़ी के अंदर आपको सिंपल लुक देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ अड़कंजा या कुछ ऐसी फालतू चीज़ें गाड़ी के अंदर ज़्यादा नहीं लगाई जाती है। तो आप ओवरऑल देख सकते हो गाड़ी फ्रंट से किस प्रकार की देखने में लगती है। तो चलिए अब साइड प्रोफाइल से बात करते हैं। तो साइड प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले हम टायर साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के अंदर आपको R16 इंचेस के टायर देखने को मिलते हैं, यानी कि यार ये पहले वाला मॉडल है तो इसके अंदर आपको R15 के देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी आप लेते हो तो इसके अंदर आपको R16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये इंडिकेटर है जो फेंडर के ऊपर दिया जाता है। और गाड़ी के अंदर आपको M-Horic इंजन देखने को मिलता है, जिसकी बेजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और मिरर्स के बारे में बात कर रहे थे यार यहाँ पे आपको इंडिकेटर नहीं देखने को मिलते, ये सिंपल मिरर दिए गए यहाँ पे आपको ये साइटन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और बाकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं यार आपको साइड बीडिंग भी देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी दिया गया, जो कि आपको अंदर जाने के अंदर हेल्प करेगा। तो आप ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी की साइड प्रोफाइल किस प्रकार की देखने में लगती है जब गाड़ी को आप साइड से देखते हो। तो गाड़ी के अंदर आपको डीजल इंजन दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको डीजल के लिए भी लिट दिया गया, तो आप यहाँ से गाड़ी के अंदर डीजल डलवा सकते हो। और बाकी चलिए साइड प्रोफाइल के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो हम आगे गाड़ी के रियर प्रोफाइल के अंदर, तो आप यहाँ रियर प्रोफाइल को देख सकते हो गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगती है जब गाड़ी को आप रियर से देखते हो। तो गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको महिंद्रा की बेजिंग, TUI 300 की बेजिंग और T8 मॉडल की बेजिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये स्पेयर व्हील गाड़ी के अंदर आपको पीछे देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको नीचे नहीं दिया जाता है, पीछे ही स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको एक फुटरेस्ट दिया गया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको फुटरेस्ट गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हमने साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन चलिए अब इंटीरियर के बारे में बात करते हैं गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर किस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो हम आ गए गाड़ी के अंदर, तो इंटीरियर के बारे में बात कर रहे थे यार आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। तो आप इंटीरियर को देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो आपको स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पे आपको कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोलर नहीं देखने को मिलेगा। और एयरबैग की बेजिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो गाड़ी के अंदर आपको एयरबैग की बेजिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं, जो कि इस साइड में भी आपको एयरबैग की बेजिंग देखने को मिल जाएगी और इस साइड भी आपको एयरबैग की बेजिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए अब सेंटर कंसोल के बारे में बात करते हैं, गाड़ी के अंदर आपको सेंटर कंसोल किस प्रकार का दिया गया है। तो सेंटर कंसोल के बारे में बात करते हैं यार यहाँ पर आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे 2D म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का देखने में लगता है। तो इस इवेंट्स के बारे में बात करते हैं यार यहाँ पर आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलेंगे, क्रोम इंसर्ट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में बात करें तो यार आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। और एसी के अंदर भी आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एसी इको ये 2 मोड गाड़ी के अंदर आपको दिए गए। और यहाँ पे देख सकते हो आपको USB के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो गेयरबॉक्स के बारे में बात करते हैं यार गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, इसके अलावा रिवर्स का गियर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि सेंटर के अंदर दिए गए, यानी कि स्कॉर्पियो के अंदर भी आपको पहले यहीं पे देखने को मिला करते थे, बोलेरो के अंदर भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो महिंद्रा की स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आर्मरेस्ट के बारे में
बात करते हैं आपको महिंद्रा की हर गाड़ी के अंदर आपको अलग अलग आर्मरेस्ट देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार से इस गाड़ी के अंदर भी आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो सेंटर कंसोल का आप पूरा ओवरऑल देख लीजिए, गाड़ी का सेंटर कंसोल किस प्रकार देखने में लगता है जब आप इस गाड़ी के सेंटर कंसोल को देखते हो। तो डैशबोर्ड को आप देख सकते हो यार, गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं लेकिन ठीक ठाक डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि आजकल की गाड़ियों के अकॉर्डिंग तो इतना प्रीमियम नहीं है, लेकिन यार गाड़ी के अंदर आपको एक एसयूवी वाली फील चाहिए तो पूरी एसयूवी वाली फील गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो महिंद्रा की आप हर गाड़ी देखते हो तो यार उसके अंदर एक ही चीज़ होती है सबसे बड़ी, एसयूवी की फील, और बाकी एसयूवी का पावरफुल इंजन गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। तो आप ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी का इंटीरियर किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो हम आ गए रियर की तरफ, तो हम देखते हैं सबसे पहले डोर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डोर हैंडल को देखोगे तो आपको ब्लैक डोर हैंडल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सिल्वर फिनिश के अंदर ये देखने को मिलेगा। और डोर के बारे में बात करें तो यार यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब रियर स्पेस के बारे में बात करते हैं, गाड़ी के अंदर आपको रियर के अंदर कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो बात करें गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में तो यार गाड़ी के अंदर आपको भरपूर रियर स्पेस देखने को मिलता है, क्योंकि लेग रूम और हेड रूम दोनों चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर आपको भरपूर देखने को मिलती है, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों की और एक एसयूवी गाड़ी की एक यही खास बात होती है कि उसके अंदर आपको भरपूर स्पेस देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो गाड़ी के अंदर आप हम बात करें आर्मरेस्ट के बारे में, तो गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, और हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको स्पेस तो भरपूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्ट का भी ख्याल रखा गया है, तो यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सब सॉफ्ट टच के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना स्पेस आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बात करें यार, मैंने पहले भी आपको डैशबोर्ड दिखा दिया, तो डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो आपको मैंने क्वालिटी दिखाई थी किस प्रकार की देखने में लगती है। तो ग्लो बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर आपको ग्लो बॉक्स भी दिया गया, लेकिन कूल ग्लो बॉक्स आपको नहीं देखने को मिलता है। और बाकी सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो आप सेंटर कंसोल को ओवरऑल देख लीजिए किस प्रकार का देखने में लगेगा जब रियर से सेंटर कंसोल को देखोगे। तो यहाँ पर आपको ये एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। और डैशबोर्ड को ओवरऑल देख लीजिए, रियर साइड से जब आप डैशबोर्ड को देखते हो तो किस प्रकार का डैशबोर्ड का लुक आता है। तो रूफ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिरर के बारे में बात करते हो, आपको यहाँ पर वेंटी मिरर भी देखने को मिल जाएगा, वेंटी मिरर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ये महिंद्रा गाड़ियों के अंदर आपको ये एक स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार का इसका लुक आता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसका मिरर है, रियर व्यू मिरर, जो कि आपको एडजस्टेबल देखने को मिलता है। तो आप ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी का रूप किस प्रकार का देखने में लगता है। तो आपने डैशबोर्ड को देख लिया, गाड़ी का डैशबोर्ड किस प्रकार का लुक आता है। तो चलिए अब लास्ट रो की सीट्स के अंदर चलते और लास्ट रो के बारे में बात कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर आपको लास्ट रो के अंदर कितना स्पेस देखने को मिलेगा और किस प्रकार का स्पेस गाड़ी के अंदर लास्ट रो के अंदर दिया गया है। तो चलिए अब गाड़ी की लास्ट रो के अंदर चलते हैं। तो हम आ गए लास्ट डोर के अंदर, तो सबसे पहले लास्ट डोर को देख लेते हैं, गाड़ी का डोर किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक कलर का डोर हैंडल, यहाँ पे आपको ग्रे रेल देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको बोतल होल्डर और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वह अंदर चलते हैं और रियर सीट्स के स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर आपको कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो रियर स्पेस के बारे में बात करें तो यार आपको डिसेंट स्पेस देखने को मिलता है, ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन ये चाइल्ड्स के लिए ये सीट ठीक ठाक रहती है, या एडल्ट को बैठाना चाहते हो ज़्यादा स्पेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। हेडरूम के बारे में बात करें तो हेडरूम भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और लेग रूम के बारे में बात करें तो यार जब दो जने यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर लेग टच हो सकते हैं, बाकी आप देख सकते हो कितना स्पेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर थोड़ा ये हेड रेस्ट है जो यहाँ पर थोड़ा टच होता है, बाकी आप देख सकते हो किस प्रकार का यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो चलिए अब गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको किस प्रकार का इंजन देखने को मिलता है और कितनी पावर जनरेट करता है। तो इंजन के बारे में बात करते हैं यार, गाड़ी के अंदर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, एम हॉर्क इंजन गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको बुलेरो के अंदर भी वो इंजन सेम इंजन दिया गया है। तो पावर फिगर के बारे में बात करें तो गाड़ी आपको 100 BHP की पावर देती है, 100 BHP की गाड़ी पावर जनरेट करती है। और बाकी गाड़ी के बारे में बात करते हैं यार, गाड़ी को लॉन्च इसलिए किया गया था क्योंकि जब गाड़ी के महिंद्रा बोलेरो थोड़ी कंपनी की थोड़ी महिंद्रा बोलेरो पुरानी हो रही थी, तो महिंद्रा ने सोचा कि बोलेरो का थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन मॉडल तैयार किया जाए। लेकिन जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को बनाया था तो कंपनी को लगा कि यार इसके वापस इसे नए मॉडल के रूप में लॉन्च करना चाहिए और महिंद्रा बोलेरो को रेगुलर करना चाहिए। तो महिंद्रा ने इस गाड़ी
को लॉन्च किया, तो इसको बाजार के अंदर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला। और अभी भी आप इस मार्केट में देखते हो 2019 के अंदर गाड़ी को थोड़ा बदलाव के साथ उतारा गया था, जिसके अंदर आपको फ्रंट और रियर और साइड के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। लेकिन आप जो वीडियो के अंदर देख रहे हो ये इसका ओल्ड मॉडल है, जो कि आपको पहले देखने को मिल जाया करता था। तो आप इसे देख सकते हो किस प्रकार का ये देखने में लगता है जब इस मॉडल की इस वेरियंट की गाड़ी को आप देखते हो। तो आप ओवरऑल देख लीजिए गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगती है, गाड़ी का लुक किस प्रकार का आता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यार इस चैनल पर हम आपके लिए कार के रिव्यू और कार कंपैरिजन जैसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।